गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। मेनली फोर कंपोनेंट्स हैं: फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एसेट्स, सिक्योरिटीज, इंस्ट्रूमेंट्स आप कह सकते हैं, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। उसमें से जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज है वो आपके सिलेबस में नहीं है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, इंस्ट्रूमेंट्स या एसेट्स जिसे आप कहते हैं, वो टॉपिक हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इस लेक्चर में जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट्स। दो टर्म्स हैं, फाइनेंशियल एंड मार्केट्स। फाइनेंशियल का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने पहले भी किया है अपने पिछले लेक्चर्स में, कि फाइनेंशियल मीन्स प्रिटेनिंग टू फाइनेंस, means anything which is related to finance is called financial. Market का meaning क्या होता है? Market का meaning वो place जहाँ पर buyer और seller meet कर रहे हैं, उसे हम market कहते हैं। Place का physical होना ज़रूरी नहीं है, मतलब physical geographical location होना उसका ज़रूरी नहीं है। जो मार्केट प्लेस है वो वर्चुअल भी हो सकती है, मतलब ओवर द टेलीफोन, ओवर द मोबाइल, ओवर द इंटरनेट भी वो चीज़ हो सकती है। तो अगर बेसिक हम इन दो वर्ड से मीनिंग निकालें कि फाइनेंशियल मार्केट्स हम किसे कहते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट्स का मतलब हुआ कि वो मार्केट जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो फाइनेंस है और उसे हम बाय और सेल कर रहे हैं। फाइनेंस प्रोडक्ट होने का मतलब हुआ, फाइनेंस प्रोडक्ट कैसे हुआ, फाइनेंस प्रोडक्ट होने का मतलब हुआ कि जो फाइनेंशियल एसेट, सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें हम डील कर रहे हैं, उसे बाय और सेल कर रहे हैं, उसे हम ट्रेड कर रहे हैं मार्केट्स में। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या हुई? फाइनेंशियल मार्केट इज दैट मार्केट वेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस। ये मार्केट एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट प्रोवाइड करवाती है आपको। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट प्रोवाइड करवाने का क्या मतलब है कि आपको एक सेटअप प्रोवाइड करवाती है जहाँ पे आप लेंडिंग एंड बोरोइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स की एंड लॉन्ग टर्म फंड्स की। जब हम कोई भी डेफिनेशन कर रहे हैं तो उसमें जब टर्म यूज होती है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, उसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का मतलब है कि उसका पूरा सेटअप, कौन कौन पर्सन्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बायर्स कौन है, सेलर्स कौन है, वहाँ पे वर्क करने का मैकेनिज्म क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, सेटअप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, रूल्स रेगुलेशंस का सेटअप क्या है, कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है, दोज ऑल थिंग्स कम अंडर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो ये जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट प्रोवाइड करवाती है फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में बोथ फिजिकल मार्केट और ऑनलाइन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की, दोनों इंक्लूडेड होते हैं। मार्केट में शॉर्ट टर्म मॉनिटरी एसेट्स को बॉट एंड सोल्ड अगर किया जा रहा है तो उसे हम मनी मार्केट कहेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स को आप डील कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स को आप बॉट एंड सोल्ड कर रहे हैं, तो उसे कैपिटल मार्केट कहा जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट डील करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। शॉर्ट टर्म का यह मतलब है लेस देन वन ईयर। अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट या कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आप डील कर रहे हैं और उसे आप बाय एंड सेल कर रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर, तो उसे मनी मार्केट में डील किया जाएगा। तो जो भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, कमर्शियल बिल्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा, ये डील किए जाते हैं मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट डील करती है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में, मतलब मोर देन वन ईयर, जैसे शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एक्सेट्रा जो हो गए वो कैपिटल मार्केट में डील किए जाते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो टू टाइप्स की फाइनेंशियल मार्केट्स, इंडियन मनी मार्केट एंड इंडियन कैपिटल मार्केट।
तो पहले जो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज इंडियन मनी मार्केट। मार्केट मीनिंग क्या है हम पहले अभी किया हमने। इंडियन मनी मार्केट मतलब मनी मार्केट जो इंडिया में प्रिवेल करती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मनी मार्केट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर इन शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड। वही जो अभी हमने बात की कि मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे आप शॉर्ट टर्म मॉनेटरी एसेट्स को ब्रॉट एंड सोल्ड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट इज द सेंटर ऑफ डीलिंग्स इन मॉनेटरी एसेट्स मेनली ऑफ शॉर्ट टर्म करेक्टर। सेम चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, मॉनेटरी एसेट्स जो है मेनली शॉर्ट टर्म करेक्टर की उसकी डीलिंग्स करने के लिए जो सेंटर है दैट इज मनी मार्केट। तो मनी मार्केट ऑर्गेनाइजेशन आपको एक प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे मतलब है सेटअप, जहाँ पे आप लेंडिंग और बोरोइंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म फंड्स की थ्रू द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सा प्रोडक्ट आप वहाँ पे डील कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म नेचर के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एसेट्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंकर एसेप्टेंस एसेट्रा। इन सबको हम डिटेल में अपने पिछले लेक्चर्स में जब हमने फाइनेंशियल सिक्योरिटीज पढ़ा था वहाँ पे हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मार्केट डील कर रही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में शॉर्ट टर्म लोन्स के थ्रू प्रोवाइड करवा के उसे मनी मार्केट कहते हैं। तो इसमें इंक्लूड कौन से होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, प्रॉमिसरी नोट्स, हुंडीज, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ मार्केट्स इन मनी मार्केट। यहाँ पे अगर आप नेम्स देखें इनके टाइप्स ऑफ मार्केट्स इन मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, एक्सेप्टेंस मार्केट, कोलेट्रल लोन मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, इन सब में एक चीज जो आप कॉमन देख रहे हैं दैट इज आगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा हुआ है। कॉल मनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक्सेप्टेंस बैंकर एक्सेप्टेंस जो हमने लास्ट लेक्चर में किया हमारा इंस्ट्रूमेंट है, कोलेट्रल लोन इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेजरी बिल्स इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल बिल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे जब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं तो ये हर एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट के आगे मार्केट वर्ड लगा दिया, तो इससे मीनिंग क्या निकलता है। जैसे कॉल मनी मार्केट है वो मार्केट जहाँ पे आप कॉल मनी के इंस्ट्रूमेंट्स को बाय एंड सेल कर रहे हैं उसे कॉल मनी मार्केट कहेंगे। एक्सेप्टेंस मार्केट जहाँ पे आप बैंकर्स एक्सेप्टेंस में ट्रेड कर रहे हैं बाय और सेल कर रहे हैं उसे एक्सेप्टेंस मार्केट कहेंगे। तो देखते हैं एक बार डिटेल में। सबसे पहले है कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी नेम से क्लियर है, कॉल मनी मतलब जब आपको ज़रूरत है पैसे की तब आप उसे कॉल करके यूज कर सकते हैं। कॉल करके यूज करने का मतलब कॉल करके आप किसी से उसे बोरो कर सकते हैं और कॉल पे जो पर्सन है वो आपको लेंड कर सकता है। शॉर्ट टर्म है इसका मतलब लेस देन वन ईयर है। लेकिन ये जो सारी हम टाइप्स ऑफ मार्केट्स पढ़ रहे हैं अब जो इंस्ट्रूमेंट्स है हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग नेचर है। जैसे जो कॉल मनी मार्केट है यहाँ पे जो डील करते हो आप लोन्स में वो अप टू 1 to 14 days होता है। इसमें भी दो चीज़ें हैं कॉल मनी मार्केट में, दैट इज़ कि अगर आप 1 to 7 days के लिए आप डील कर रहे हैं कॉल मनी में तो वो कहलाती है कॉल मनी मार्केट, लेकिन 7 to 14 days में अगर आप डील करते हैं तो दैट इज़ शॉर्ट नोटिस मनी मार्केट। तो शॉर्ट नोटिस मार्केट हम उसे कहते हैं। तो अगर इसका एग्जांपल हम दें तो जैसे अगर बैंक्स हैं, दो बैंक है, हर एक बैंक में डेली कस्टमर्स जो हैं विड्रॉ अमाउंट करवाने आते हैं। सपोज किसी दिन ज़्यादा कस्टमर्स अमाउंट विड्रॉ करवाने आ गए तो बैंक मना तो नहीं कर सकता अपने कस्टमर्स को और पैसे उसको चाहिए तो वो क्या कर सकता है, वो दूसरे बैंक को कॉल करके उससे मनी बोरो कर सकता है थोड़े टाइम पीरियड के लिए। वो टाइम पीरियड कितना है कॉल मनी का, 1 to 14 days। कॉल मनी है तो 1 to 7 days, शॉर्ट नोटिस मनी है तो 7 to 14 days। तो वो कॉल करके दूसरे बैंक से पैसा ले सकता है और फिर जब उसके पास हो गया जो उसका काम था वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो उसको रिटर्न कर देता है, तो उसे हम कहते हैं कॉल मनी मार्केट। अब यहाँ पे इसीलिए क्योंकि कॉल के थ्रू आप कर रहे हैं
एक चीज तो वो, दूसरा ये जो कॉल मनी मार्केट है इसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी जो पर्सन्स डील करते हैं वो होते हैं बैंक्स, इसीलिए इसे इंटर बैंकिंग कॉल मार्केट भी कहा जाता है। तो मोस्टली बैंक्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं कॉल मनी मार्केट में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इंटर बैंकिंग कॉल मार्केट। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ मार्केट है दैट इज एक्सेप्टेंस मार्केट। हमने पीछे एक इंस्ट्रूमेंट किया था बैंकर्स एक्सेप्टेंस का, जब आप ट्रेड करते हैं चाहे डोमेस्टिक कर रहे हैं चाहे फॉरेन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बैंकर एक्सेप्टेंस यूज करते हैं। तो वो मार्केट जहाँ पे आप बैंकर्स एक्सेप्टेंस को सोल्ड करवा सकते हैं या डिस्काउंट करवा सकते हैं उसे हम एक्सेप्टेंस मार्केट कहते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज कोलेट्रल लोन मार्केट। कोलेट्रल लोन का क्या मतलब होता है? कोलेट्रल का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल है उसके साथ अगर आप कुछ अटैच कर रहे हैं एडिशनल सिक्योरिटी तो उसे कोलेट्रल कहा जाता है। तो कोलेट्रल सिक्योर्ड लोन मार्केट क्या है? वो मार्केट जहाँ पे जब आप लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन में साथ में आप कुछ कोलेट्रल रखवा रहे हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी रखवा रहे हैं तो उसे कोलेट्रल लोन मार्केट कहा जाता है। कोलेट्रल सिक्योरिटी किस फॉर्म में हो सकती है? आपने कोई चीज़ एसेट जो था इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी जो था फाइनेंशियल उसे प्लेज किया, मॉर्गेज किया, लियन उसके ऊपर लिया तो वो कोलेट्रल सिक्योरिटी है। कोलेट्रल एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है लेंडर को कि अगर इन केस जो बोरोअर है उसने डिफॉल्ट किया पेमेंट में, मतलब किसी को आपने लोन दिया उसे आपने कुछ गिरवी रखवा लिया, अब अगर जो बोरोअर है जिसने लोन लिया है उसने डिफॉल्ट कर दिया कि उसने लोन पे नहीं किया तो आप उस कोलेट्रल सिक्योरिटी को बेच करके जो भी आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट है वो आप रिकवर कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, उसी को हम कोलेट्रल लोन मार्केट कह रहे हैं। देन नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी बिल मार्केट। वो मार्केट जहाँ पे आप ट्रेजरी बिल्स को बाय एंड सेल कर रहे हैं उसे हम ट्रेजरी बिल मार्केट्स कहते हैं। ये चीज़ हम पहले ही अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। देन नेक्स्ट है कमर्शियल बिल मार्केट। कमर्शियल बिल मार्केट में आप डील करते हैं कमर्शियल बिल्स में। कमर्शियल बिल्स हम पहले बात कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, दो तरीके से हो सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में हो सकते हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में हो सकते हैं। तो वो मार्केट जहाँ पे आप कमर्शियल बिल्स में डील कर रहे हैं उसे हम कमर्शियल बिल मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इंडियन कैपिटल मार्केट। इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।